गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। एंड अभी मैं ऑन द वे हूँ, एक्चुअली मैं जा रही हूँ अपने घर पे, अपनी ससुराल। एंड आज दशहरा है, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। तो सक्षम पीछे है और श्रीजा भी है। हेलो करोगे? हाँ। सक्षम को तो गाड़ी चाहिए होती है, अपनी गाड़ी लाया साथ में। और देखिए, कोशिश करूँगी कि घर जाके थोड़ा शूट करूँ। एक्चुअली आप भी समझ सकते हैं कि घर पे जब कभी कभी आते हैं ना, तो वहाँ जाकर इतना शूट नहीं कर पाते एक्चुअली, क्योंकि जब सब लोग साथ में होते हैं उनसे बात करने में और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो नहीं हो पाता। थोड़ा सा कोशिश करूँगी शूट करने की। और आज तो वैसे भी त्यौहार का दिन है, और देखो जल्दी जल्दी में सिंदूर भी कितना लगा लिया मैंने। चलिए कोई बात नहीं, तो चलिए आपके साथ जुड़े रहते हैं आज पूरे दिन। एंड आपको हैप्पी दशहरा, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए दशहरा का दिन कितना अच्छा है, अच्छाई की बुराई पर जीत का दिन है। तो हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने अंदर की कुछ बुराइयों को खत्म करके कुछ अच्छाइयों को पैदा करें। और कोशिश करना चाहिए कि एक भी जो गलत हरकत हमको लगती है हम करते हैं अपने, उसको छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ में। तो देखिए मैं अभी रास्ते में हूँ। हम मॉर्निंग में हम निकल गए थे 9 o'clock, क्योंकि दशहरा का त्यौहार तो सुबह में ही होता है और हमारे यहाँ तो मॉर्निंग में ही पूछता है। दशहरा रायता बनता है लौकी का, दशहरे का मुख्य डिश यही होता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट यही होता है। तो मैं जा रही हूँ रास्ते में, हूँ मैं दशहरा के लिए घर पे। तो देखिए ये जौ लगाए जाते हैं गमले में और ये लंबे लंबे से उग जाते हैं, इनको नौरते कहते हैं। तो ये नौरते ना आज के दिन पूजते हैं, ये बच्चों के कानों में भी लगाते हैं, बॉयज़ के कानों में, बहनें लगाती हैं भाइयों के कानों में। और मुझे इतना कुछ तो नहीं पता कि क्यों करते हैं क्या करते हैं, बट होता है ऐसा। और देखिए सक्षम श्रीजा ने जो रावण बनाए थे, तो ये घर पे गांव में आने के बाद अपनी दीदी के साथ मिलके ये सब इसको जला रहे हैं। तो श्रीजा इसको जला रही है रावण को, और सक्षम भी अपने रावण को जलाएगा। और बच्चे ऐसे ऐसे काम करने में बहुत खुश होते हैं। तो ये हमारी गली है घर की, हमारे जो रामराज की गली है, तो उसमें ये बच्चे लगे हुए हैं अपने खेल खेलने में। श्रीजा का रावण तो जल गया, अब ये सक्षम का है, ये इसको जला रही है श्रीजा। दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। पड़ोस के भी एक दो बच्चे आ गए देख के कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, और आपस में खेलने लग गए। तो अच्छा लगता है जब हम लोग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे श्रीजा और सक्षम के साथ के जो होते हैं वो इनके साथ खेलने के लिए आ जाते हैं, जो आसपास के बच्चे होते हैं। बच्चों को बहुत रहता है अपने दोस्त मिलते हैं तो खेलने के लिए। हेलो गाइस, हमारे घर ये ध्रुव का रावण है, ध्रुव ने बनवाया था, बहुत मजा आया था। इसको भी हमने जलाया, मतलब हम मेरा टाए तो ये एक नया रावण तैयार था जलने के लिए। आज कितने सारे रावण, देखिए यहाँ पे पटाखे वटाखे फोड़े। आज का पूरा दिन बन गया, मतलब पूरे दिन एंजॉय किया। मतलब वापस लौट के जब हम रात को आए, तो रात को यहाँ पे एक रावण जलने के लिए तैयार था, पटाखे फोड़े थे और बहुत ही मज़ा किया सबने। पूरे दिन मज़ा आया, हाँ पूरे दिन बहुत ही बिजी रहा। तो आप लोगों का भी शायद ऐसे ही रहा होगा। और Yeah.
तो गाइज मैं अभी आई हूँ घर पे। पूरे दिन आज मैं कुछ ज्यादा शूट नहीं कर पाई। एक्चुअली आप समझ सकते हो जब हम कहीं बाहर जाते हैं, जैसे मैं घर पे गई तो काफी दिन बाद गई तो बातें करने को, और फेस्टिवल पे इतना सारा तो इतनी सारी चीजें होती हैं, काम होता है घर में, तो शूट नहीं कर पाते। और जब हम लौट के आए तो रास्ते में ही हमारे नेबर्स का फोन आ गया, बहुत ही स्वीट हैं सारे। तो यहाँ पे भी उन्होंने रावण जलाने के लिए छोटा सा रावण तैयार करा हुआ था, और वो सब बच्चों ने सब बड़ों ने मिलकर जलाया। बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब वहाँ से भी हम एक अच्छे माहौल से निकल के आए, और आते ही हमें फिर से एक अच्छा माहौल मिला। और आज का दिन बहुत ही अच्छा, बहुत बिजी गया, आज सब थक भी गए, और बहुत अच्छा रहा आज का फेस्टिवल दशहरा का। तो आप सबको भी दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आपका भी बहुत अच्छा दिन गया होगा, और खुश रहिए हमेशा, मुस्कुराते रहिए। और देखिए आगे आने वाला टाइम ऐसे ही है फेस्टिवल्स का, कितने सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो सब मिलके फैमिली के साथ में खुशियां मनाइए। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सेफ्टी का अपनी, बाहर जाइए तो थोड़ा प्रिकॉशन ले लीजिएगा दोस्तों। तो आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए मैं भी अभी घर पे आई हूँ, तो अभी रात का टाइम है, अभी 8 o'clock हो रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा देखती हूँ क्या डिनर में कुछ हल्का सा लाइट सा बनाती हूँ, एंड कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ, रेस्ट करती हूँ। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय दोस्तों।